जी सारे कपड़े खराब हो गए और पानी हमारे तो इतना इतना था, आदमियों के ठीक था भी जैसे पटोगे तक था। इसी सोच को लेकर हम सब मेंबर्स ने इकट्ठे सोचा कि क्यों ना हम मदद करें। हम कोई बड़ा एक्ट तो नहीं कर सकते थे पानी निकालने का या कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, तो एक छोटी सी कोशिश की। अम्बाला में आई बाढ़ का पानी रह रह के यहाँ के बाशिंदों को डरा रहा है। अम्बाला में ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि लोगों के घर का सारा सामान तबाह हो गया, जिंदगी भर की कमाई रातों रात बह गई। बाढ़ के बाद हुई तबाही से लोग परेशान हैं, लिहाजा अम्बाला में मेरी उड़ारी लेडीज क्लब ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आया और अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के साथ मिलकर घर घर जाकर सूखा राशन बांटा ताकि लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यह तबाही के बाद की तस्वीरें हैं अम्बाला के गोवर्धन नगर की। बाढ़ ने इनके घर का वो हश्र किया जो आप सोच भी नहीं सकते। हर घर में 4 से 5 फीट पानी था, लिहाजा घर का सारा सामान बाढ़ की चपेट में आ गया। जो थोड़ा बहुत बचा वो बचा लिया, वरना घर की रसोई से लेकर कमरों तक में भी जो कुछ था बाढ़ अपने साथ बहा के ले गई। एक तो कुदरत का कहर, ऊपर से स्थानीय विधायक और चुने हुए पार्षद भी, अगर इनका हाल ना जाने तो दर्द और बढ़ जाता है। अम्बाला के गोवर्धन नगर के बाशिंदे भी यही आरोप लगा रहे हैं कि इनकी सुध किसी ने नहीं ली, बस मेरी उड़ारी क्लब के सदस्य और अम्बाला की मेयर उन्हें राशन बांटने आए हैं। रेनू नाम है, गोवर्धन नगर है जी, कोई नहीं आया तो। मैडम जी आई है, बस यही आई हैं और कोई नहीं आया कुछ देने, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं देखा आके जी। हाँ जी, एमसी भी नहीं आया। वोट लेने के लिए एमसी आ जाता है और उसके बाद एमसी की शक्ल देखने को नसीब ही नहीं होता, वो आता ही नहीं है। आप एमएलए भी नहीं आता, कोई कोई भी नहीं आता, मैडम जी आई हैं बस। हम ये कहते हैं सरकार से, हमारा एक तो राशन कार्ड बनाए, ऊपर से ये हमारा सारा निकासी करे हमारी आके घरों की। हम डूबे बैठे थे, कोई नहीं आया हमें देखने यहाँ पे। सिर्फ एक मैडम जी फोन के जरूर, ये फोन करके आती हैं, ये मैडम जी आई हैं, इन्होंने आके हमें पंप लगाए हैं, इन्होंने पानी निकाला के हमारा, बस हमारे घरों से बचाने वाली यही है और कोई नहीं आया इधर। हाँ जी, मैसेज करते हैं हमें मैडम दोबारा चाहिए हमारे को बस। जी सारे कपड़े खराब हो गए और पानी हमारे तो इतना इतना था, आदमियों के ठीक था भी जैसे पटोगे तक था, और कपड़े कपड़े सारे बेडों में पानी बढ़ गया, चाहे देख लो जाके सारे कपड़े खराब है, कमरे में भी उड़ गया था हमारे। उस दिन गुरुद्वारे वाले आए थे, उधर ही आए थे, बाहर ही आए थे जी, अंदर नहीं आए थे। अभी तो कोई आया नहीं है, अभी तो कोई आया नहीं जी, बस वो पानी देने आए थे, जब बोतलें देने आए थे उस दिन इनकी तरफ से, जो मैडम आए हैं उनकी तरफ से कहा था भी पानी देने आ रहे हैं। बाढ़ के बाद जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने के लिए मेरी उड़ारी लेडीज क्लब की महिला सदस्यों ने मिलकर राशन इकट्ठा किया और उस राशन को घर घर पहुंचाने की ठान ली। इसके लिए क्लब की चेयरपर्सन अमनप्रीत कौर ने अम्बाला के मेयर से संपर्क साधा और आज क्लब की अन्य सदस्यों के साथ गोवर्धन नगर में जरूरतमंदों को राशन बांटा। इस दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मेरी उड़ारी क्लब के सदस्यों की खूब तारीफ की और कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि क्लब की ये बेटियां खुद आगे आकर मुसीबत की इस घड़ी में लोगों को राशन बांट रही हैं। अम्बाला की मेयर ने इस दौरान स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसे मौके पर सबको सब भूलकर एक साथ काम करना चाहिए। मेयर ने विधायक असीम गोयल को खरी खोटी सुनाई और कहा ये ऐसा समय है, इसमें सबको मिलकर सबकी मदद करनी चाहिए, अपनी सोच लिमिटेड नहीं रखनी चाहिए, अपने कैनवास को बड़ा करना चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए। देखिए ये गोवर्धन नगर में ज़रूरतमंदों को राशन बांटा जा रहा है और जो मेरी बेटियां हैं उड़ारी की जो एक संस्था है उसमें ये नौजवान बच्चियां हैं जिन्होंने ये समूह इकट्ठे होके ये राशन इकट्ठा किया अपनी तरफ से, और इन्होंने मेरे से आग्रह किया था कि हमने मेरे साथ मिलके इन्होंने बांटना है, तो मेरे को मेरी खुशी है, मेरी दिल से मैं कहती हूँ कि इस तरह से बच्चे और आगे आएँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि इनकी मुहिम इन्होंने छेड़ी है, पहले भी टांगरी में भी बांट के आए हैं, कई जगह बांटा है इन्होंने, पर बहुत अच्छी सोच है इन बच्चों की। और किसी मजबूर के काम आना, किसी ज़रूरतमंद के काम आना बहुत ही नेक और अच्छी अच्छा विचार है, ख़ास करके इस एरिया में बहुत लो लाइंग एरिया है, एकदम मेन रोड हाईवे के साथ लगता है ये, और बहुत नीचा है, बहुत पानी खड़ा है यहाँ पर, मतलब आज से 5-6 दिन पहले तो यहाँ 5-6 फुट पानी था,
जो मोटर के द्वारा निकाला गया, पर फिर भी अभी आप देख रहे हैं नालियाँ गंदगी से अटी पड़ी हैं, घरों में लोगों के अभी भी पानी है, बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ जितना भी हम इनके लिए कुछ कर पाएँ कम है। देखिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि कौन आया कौन नहीं गया, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये ऐसा मौका है कि सबको मिलके सबकी सेवा करनी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए, और अपनी सोच लिमिटेड नहीं रखनी चाहिए, अपना जो कैनवस है उसको बड़ा करना चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए। अम्बाला में मेरी उड़ारी लेडीज क्लब समाज सेवा के काम में हमेशा अग्रसर रहता है। कभी ऑक्शन शो के इकट्ठे हुए फंड से राहत कार्य, तो कभी गरीब स्कूली बच्चों को साइकिलें देना, और अब बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री देकर समाज सेवा के काम में खुद को अग्रिम पंक्ति पर रखना अब इस क्लब के सदस्यों का ट्रेंड बन गया है। मेरी उड़ारी लेडीज क्लब की चेयरपर्सन अमनप्रीत ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में क्लब के सदस्यों का यह एक छोटा सा प्रयास है जिन्हें करके उन्हें खुशी मिल रही है। हमारा जो क्लब है लेडीज का, भगवान की दया से जितनी भी लेडीज हमारी मेंबर्स हैं वो बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, और हर किसी का मन रहता है जब ऐसी कोई आपदा आए, ऐसी कोई मुसीबत आए तो हेल्प की जाए लोगों की। तो इसी सोच को लेकर हम सब मेंबर्स ने इकट्ठे सोचा कि क्यों ना हम मदद करें। हम कोई बड़ा एक्ट तो नहीं कर सकते थे पानी निकालने का या कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, तो एक छोटी सी कोशिश की सब ने कॉन्ट्रीब्यूट कर स्मॉल स्मॉल किट्स बनाई जिसमें इनकी ज़रूरत का सारा सामान जो राशन का है वो वितरण कर सके, और वही करने का एक प्रयास किए और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। हमने टांगरी नदी के पास इलाका था वो काफ़ी डीप था, वहाँ पर जाकर हमारे मेंबर्स गए थे और घर घर वहाँ पर भी हमने राशन बांटने की कोशिश की और काफ़ी लोगों को ट्राई किया कि उनकी जो ये मुसीबत में बैठे हुए हैं उनकी हेल्प कर सके और की है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।